हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं मूंग दाल का डोसा बनाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे साबुत मूंग दाल ली है और उसको ओवरनाइट भिगो के रख दिया है। तो आप साबुत मूंग लेके उसको ओवरनाइट भिगने के लिए छोड़ देंगे और सुबह हम उसका सारा पानी निकाल के उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर डोसा का बैटर लिया जो रेडीमेड आता है, हम रेडीमेड डोसा का जो मिक्सर है वो लिया है एक कटोरी। अगर आप डोसा का बैटर नहीं लेना चाहते तो आप उसमें एक टेबलस्पून बेसन और एक टेबलस्पून चावल का आटा भी ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पे डोसे का बैटर जो मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा वो लिया है। और यहाँ पे मैंने जो हमारी मूंग दाल थी उसको मिक्सर में एकदम फाइनली उसका पेस्ट बना लिया, और जो हमने डोसे का मिक्सचर लिया था उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके अंदर हम थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम स्मूथ बना लेना है, इसके अंदर एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अभी हमारा बैटर थोड़ा थिक है तो उसको हम और भी पानी ऐड करके उसको थोड़ा ढीला बनाना है। हमें ज़्यादा टाइट आटा नहीं लेना है, जैसे हमारे डोसे का बैटर होता है बहुत स्मूथ वैसा ही बनाना है इसको। हमें एक साथ में सारा पानी नहीं डालना है इसमें, हम थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे ताकि हमारा बैटर बहुत ही स्मूथ बने जैसा हमको चाहिए। और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स नहीं रहे। अभी भी ये थोड़ा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बैटर सही है, हमें ऐसा ही बैटर चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा और पतला चाहिए तो आप और पानी ऐड कर सकते हो, पर हम इतना ही रखेंगे ताकि ये अच्छे से बन जाए हमारा डोसा, बहुत ही अच्छे से फैल जाए वो तवे पे। हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, तब तक हम अपना मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले बॉईल आलू चाहिए और एक प्याज, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है, और एक या दो हरी मिर्ची और थोड़ी सी कच्ची मूंगफली के दाने। तो यहाँ तेल गरम कर लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा जीरा और राई ऐड कर दूँगी। अब इसमें मूंगफली के दाने डाल के उसको थोड़ा सा पकने तक इसको पकाएंगे। हमारी मूंगफली हल्की हल्की पक चुकी है तो अब हम इसमें हमारे जो प्याज हमने कट किए थे उसको ऐड कर देंगे। उसको हमें प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक उसको अच्छे से पकाना है। हमारे प्याज थोड़े पक चुके हैं तो अब हम इसमें हमारा मसाला ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा तीखा मसाला लेंगे ताकि टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। और अब हम इसमें अपने आलू डाल के उसको अच्छे से मैश करके मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक उसको पका लेंगे। नमक इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो। तो हमारा जो आलू का मसाला है वो बनके रेडी है। अब हम हमारे डोसा बनाते हैं।
तो हमारा तवा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पे ही डोसा डालेंगे तो वो अच्छे से फैल नहीं पाएगा इसको, इसलिए हमें उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, और एक कपड़े से उसको पोंछ देंगे और ऐसे डोसे का बैटर बीच में डाल के उसको बीच से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे ताकि वो अच्छे से फैल जाए, और बिल्कुल स्मूथली फैलाना है, हमें कोई इसमें प्रेशर नहीं डालना है, बहुत ही स्मूथली ये बहुत इजीली फैल जाएगा। और अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर देंगे ताकि हमारा डोसा नीचे से बहुत ही क्रिस्पी हो जाए और बहुत टेस्टी लगेगा। इसमें थोड़ा सा ऑयल के कुछ बूंदे डाल देंगे ताकि डोसा नीचे से चिपके नहीं, उसका टेस्ट अच्छा आए। आप देख सकते हो हमारा डोसा नीचे से हल्का हल्का पकना शुरू हो गया है, आपको थोड़ा सा ब्राउन कलर दिख रहा होगा इसका नीचे। तो हम धीरे धीरे हमारे इस डोसे को निकाल के इसको एक बार पलट के भी पका देंगे। वैसे तो डोसे को एक साइड से पकाते हैं, पर हम मूंग दाल का डोसा बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हम इसको दूसरी साइड से भी सेकेंगे अच्छे से। हमारे कॉर्नर पे थोड़ा मोटा रह गया है डोसा, इसलिए हम वहाँ से थोड़ा सा प्रेस, हल्के हाथ से प्रेस करके उसको बनाएंगे, सेकेंगे हल्के हल्के से ताकि वो कॉर्नर से अच्छे से सिक जाए, कच्चा ना रहे। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है हमें, बिल्कुल हल्के हाथ से उसको प्रेस करना है। अब हमारा डोसा बन गया है, तो अब हम इसको पलट के इसके ऊपर हमने जो हमारा मसाला तैयार किया था उसको डाल देंगे। मसाले को हम अच्छे से फैला के इसको अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे, तवे पे रख के ही हम इसको फोल्ड करेंगे ताकि ये गर्म रहे और हमारा इसका जो मसाला वो अच्छे से इसमें पैक हो जाए। तो हमारा यहाँ डोसा बनके रेडी है, आप इसको नारियल की चटनी के साथ, हरी मिर्ची की चटनी के साथ या फिर कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची की चटनी बनाई है, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा साबुत धनिया, लाल मिर्च और लहसुन, और थोड़ा सा दही लिया है, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों को मैं मिक्सर में पीस के रेडी कर लूँगी, और ये मैंने इसको पीस लिया है। हमारी हरी चटनी बनके रेडी है, तो आप इसको नारियल की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या सांभर के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ आपका मन करे, जिसके साथ आपको अच्छा लगे आप उसके साथ खा सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे हों तो उनको लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी